क्या आपने ये पेंटिंग कभी देखी है? अगर आप राजस्थान घूमने आते हैं, आप जयपुर म्यूजियम देखने जाते हैं, तो आपको वहां पर ये पेंटिंग जरूर देखेगी। इस पेंटिंग में आपको एक रानी नजर आ रही होगी जिसने अपना एक पैर मुगल बादशाह के सीने पर रखा है, अपनी कटार उस बादशाह के गले पर लगा रखी है, आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ये रानी है बीकानेर की महारानी किरण देवी राठौड़। इन रानी के बारे में बीकानेर में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, जयपुर में भी बहुत लोग जानते हैं, राजस्थान में भी काफी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमारा पूरा देश इन रानी के बारे में नहीं जानता। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इन रानी के पैरों में जो बादशाह गिरा हुआ नजर आ रहा है उसे हर कोई जानता है भारत में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे ग्रेट भी बोला जाता है। जी हाँ, यहाँ पे हम मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात कर रहे हैं। इन रानी के पैरों में गिरा हुआ ये जो बादशाह दिख रहा है ये और कोई नहीं बल्कि अकबर है, जिसका काला चेहरा उसकी काली करतूतें हम सभी से छुपा कर उसे हमारी हिस्ट्री में ग्रेट दिखाया जाता है। उस पर मूवीज बनाई जाती है, सीरियल्स बनाए जाते हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन अकबर को एक हीरो की तरह देखे, अकबर को ऋतिक रोशन समझे और उसी की तरह उसे देखे, जबकि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप भारत का इतिहास ठीक से पढ़ते हैं, सच्चा इतिहास, तो आपको अकबर की करतूतें पता चलेंगी। जरा सोच के देखिए, चित्तौड़गढ़ में 40,000-30,000 निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतारने वाला अकबर ग्रेट कैसे हो सकता है? जिसकी वजह से भारत में हजारों राजपूत रानियों ने जिंदा जलकर जौहर किया, वो अकबर ग्रेट कैसे हो सकता है? जिसने रानी दुर्गावती के हंसते खेलते राज्य को सिर्फ अपने फायदे के लिए तबाह कर दिया, वो अकबर ग्रेट कैसे हो सकता है? जिसके हरम में हजारों महिलाएं हो, हजारों महिलाएं, बहुत सी ऐसी महिलाएं, हिंदू महिलाएं, जो कि युद्ध से जीत के लाई गई हो उसके हरम में, तो ऐसा बादशाह, एक ग्रेट बादशाह कैसे हो सकता है? अगर इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखा जाए, समझा जाए, तो आपको एक बहुत ही बड़ी साजिश समझ में आएगी हमारे खिलाफ, हमारे इतिहास के खिलाफ। ऐसे क्रूर मुगलों को, इनका असली इतिहास, इनका असली चेहरा छुपाकर इन्हें तो हमें ग्रेट दिखाया जाता है, हमारी आने वाली जनरेशन इन्हें ग्रेट समझती आ रही है, लेकिन एक दो राजपूत राजाओं के नाम गिनवा करके इन राजपूत राजाओं ने मुगलों का साथ दिया, सारे राजपूतों के इतिहास पर कलंक लगाया जाता है। और उसकी वजह से हजारों रानियां जो जिंदा जलकर जिन्होंने जौहर किया उनके इतिहास को लोग भुला देते हैं, महाराणा प्रताप के इतिहास को लोग भुला देते हैं, और बहुत से ऐसे नाम हैं, राजा छत्रसाल, चंद्रसेन राठौड़, बहुत से राजपूत ऐसे राजा हैं जिनके बारे में आज हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो जानती ही नहीं है, जो जनरेशन इस टाइम पे चल रही है वो भी नहीं जानती। और उसी की वजह से आए दिन हमारे भारत में जातियों को लेकर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, इधर से कोई कुछ बोलता है, इधर से कोई कुछ बोलता है, लेकिन मुगलों की असलियत कोई भी नहीं देखना चाहता। तो चलिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। आपने मीना बाजार का नाम जरूर सुना होगा जो कि दिल्ली में आज भी लगता है। ये मेला आज से नहीं बल्कि मुगलों के काल से ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे मुगल बादशाहों के काल में, अकबर के टाइम पे, इस मेले को नवरोज का मेला या फिर खुशरोज का मेला कहा जाता था। और ये एक ऐसा मेला होता था जो कि सिर्फ लेडीज के लिए होता था, यहाँ पे कोई भी मेल अलाउड नहीं होता था। यहाँ पे जो मुगलों के हरम में रॉयल लेडीज होती थी वो जाती थी, मुगलों के जो दरबारी हुआ करते थे उनकी रानियां यहाँ मेले में जाया करती थी, लेकिन जो मुगल बादशाह होते थे वो बड़ी ही नीच सोच के, बहुत गिरी हुई सोच के होते थे, और वो यहाँ पर भी नहीं रुकते थे, वो उस मेले में भी पहुंच जाते थे, वो भी बुर्का पहन के। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये हिस्ट्री बताती है। 1615 में एक इंग्लिश ट्रैवलर थे जिनका नाम था थॉमस कॉरियट। वो अपनी बुक में लिखते हैं कि एक बार मुगल बादशाह शाहजहां जो महिलाओं का मेला होता है मीना बाजार, उसके अंदर घुस गए महिलाओं की अटेंशन पाने के लिए, ताकि वहां की सुंदर महिलाएं उन्हें देखे और उनसे बातें करे। इसके अलावा एक और ट्रैवलर है जिनका नाम है निकोलो मनुची। वो भी अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया में लिखते हैं कि ये जो नवरोज का मेला होता था, जो ये मीना बाजार होता था, ये और कुछ नहीं बल्कि महिलाओं को मुगलों के हरम में पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था। जरा सोच के देखिए, इतनी बड़ी बात बोली है उन्होंने। इसके अलावा निकोलो मनुची ने आगे भी लिखा है, वो भी अकबर के बारे में, हम सभी के द ग्रेट अकबर के बारे में, कि एक बार इसी नवरोज के मेले में मीना बाजार में अकबर की बहस हो जाती है, वो भी एक महिला से। अब यहाँ पे जरा सोच के देखिए किसकी बात हो रही है। जाहिर सी बात है यहाँ पे किरण देवी राठौड़ की बात हो रही है, क्योंकि इस इंसिडेंट के हमारे पास में बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारी ऐसी बुक्स मौजूद है जहां पे इस पूरी कहानी के बारे में हमें पता चलता है। इस कहानी के बारे में हमें जिन बुक्स में पता चलता है उनमें फर्स्ट बुक है महाराणा प्रताप बाई भवानी सिंह राणा, सेकेंड बुक है द नवरोज इंसिडेंट बाई सुरान्या सेन गुप्ता, थर्ड बुक है सगत सिंह रासो बाई गिरधारी लाल आसिया।
इसके अलावा अकबर के ही दरबारी कवि है अबुल फजल, वो भी अपनी बुक्स के अंदर लिखते हैं कि जब भी ये नवरोज का मेला लगाया जाता था तो मुगल बादशाह अकबर बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आते थे। अब क्यों नजर आते थे वो तो हम सभी को पता चल चुका है, और आगे आप पूरी कहानी समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इस इंसिडेंट पे बेस्ड एक पोर्ट्रेट भी है रानी किरण देवी और अकबर का, जो कि जयपुर म्यूजियम में लगा हुआ है, जिसके नीचे कुछ लाइंस इस तरीके से लिखी हुई है। किरण सिंगणी सी चढ़ी उर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। इन लाइंस का मतलब यह है कि किरण शेरनी की तरह जो बादशाह उसके सीने पे चढ़ी, और यहाँ पे जो मुगल बादशाह अकबर है वो अपने हाथ पसार कर, अपने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा है। तो यहाँ पर इतने सारे एविडेंसेस है, इतने सारे प्रूफ्स है, उसके बावजूद भी हमें ये कहानी क्यों नहीं पता? क्योंकि आज हमारे वीरों का असली इतिहास हमसे छुपाया जा रहा है, ताकि हम इन मुगलों को ग्रेट समझे और हमारे वीरों के बारे में हमें पता तक ना चले। तो अब जानते हैं कि आखिर उस दिन रानी किरण देवी और अकबर के बीच हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो उस दिन हुआ ये था कि नवरोज का मेला था, सभी महिलाएं वहां पर जाती थी, रानी किरण देवी भी वहां पे गई जो कि बीकानेर की रानी थी। अब यहाँ पे अकबर क्या करता है कि वो बुर्का पहन के उस मेले में एंटर हो जाता है। अकबर अक्सर ऐसा किया करता था, वो वहां पे बुर्का पहन के नवरोज के मेले में जाता था और उसे वहां पे जो भी महिला पसंद आ जाती थी उस महिला को उसके हरम में पहुंचा दिया जाता था। और हमेशा की तरह अकबर उस दिन भी मेले में जाता है बुर्का पहन के। वहां पे मेले में मौजूद सबसे सुंदर जो महिला होती है उस पर अकबर की नजरें जाके टिकती है। अब यहाँ पे वो महिला इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि अकबर अपनी नजर उससे हटा ही नहीं पा रहा था। इसके बाद में अकबर के साथ में कुछ और लेडीज भी हुआ करती थी जो कि पता करके बताती थी बादशाह अकबर को कि आखिर वो महिला कौन है। अब यहाँ पे उस महिला के बारे में भी अकबर जब पता करवाता है तो अकबर को पता चलता है कि उसी का एक दरबारी है जो कि राजपूत है, उनकी वो रानी है और वो बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज सिंह है। अब यहाँ पे अपने ही दरबारी की रानी को अकबर अपने हरम में तो नहीं बुला सकता आसानी से, इसलिए अकबर क्या करता है वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन रानी को ही पटा लूं जाके, मतलब उनसे बात करने की कोशिश करूं। इसके बाद में अकबर जो रानी किरण देवी होती है उनके पास में जाता है और उन्हें अप्रोच करने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो रानी किरण देवी होती है वो अकबर को पहचान जाती है, वो उससे थोड़ा दूर हटने की कोशिश करती है। लेकिन अकबर धीरे धीरे उनके नजदीक आता चले जाता है, आसपास में जब और कोई नहीं होता तो वो ज्यादा नजदीक चले जाता है। अब यहाँ पे जो रानी किरण देवी होती है वो क्या करती है, अकबर को जोर से धक्का देके जमीन पे गिरा देती है। जैसा कि हम सभी को पता है अकबर 5 फुट का था, उसे आसानी से गिराया जा सकता था। जैसे ही अकबर खड़ा होने ही वाला होता है कि रानी किरण देवी अपना एक पैर उसकी छाती पे रख देती है, उसे उठने नहीं देती, उनकी ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत थी। इसके बाद में जो रानियां होती थी पुराने जमाने में वो तलवार या फिर खंजर अपने साथ ऑल टाइम रखती थी अपनी सेफ्टी के लिए, तो उसी तरीके से रानी किरण देवी के पास में भी अपना खंजर मौजूद था, वो उसे निकालती और मुगल बादशाह अकबर के गले पे लगा देती है। इसके बाद में रानी किरण देवी अपना परिचय देती है अकबर को कि मैं बीकानेर की रानी हूँ, महाराणा प्रताप मेरे बड़े पिता है, मैं उनके भाई शक्ति सिंह की बेटी हूँ, यानी कि मैं एक मेवाड़ की बेटी हूँ और हमारे यहाँ पे मेवाड़ में जो भी रानियां होती है वो या तो दुश्मनों को मारती है या फिर जिंदा जलकर जौहर कर लेती है, मर जाती है, लेकिन किसी के भी सामने सर नहीं झुकाती। मेरे पास में इस तरीके से आने से पहले कम से कम मेरे बारे में पता कर लेते और उसके बाद में मेरे पास में आते, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे पास आने की? अब यहाँ पे रानी किरण देवी उसे मारने ही वाली होती है अकबर को, तभी अकबर क्या करता है अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगता है, अपनी जान की भीख मांगने लगता है। अब हमारे भारत के राजाओं की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी गलती यही होती थी कि वो धर्म के रास्ते पे चलते थे। यहाँ पे एक निहत्ते शत्रु पे जो कि जान की भीख मांग रहा है उसे मारना वो अपना धर्म नहीं समझते थे, इसलिए यहाँ पे रानी किरण देवी भी ऐसा ही करती है, वो अकबर को माफ कर देती है, लेकिन एक शर्त पे कि आज के बाद में नवरोज का मेला कभी भी नहीं लगाया जाएगा और उसमें अकबर इस तरीके से कभी नहीं आएगा। इसके बाद में अकबर जब उन्हें वचन दे देता है उसके बाद में वो उसे छोड़ देती है और अकबर वहां से चुपचाप निकल जाता है। तो ये है रानी किरण देवी और अकबर की स्टोरी, जो कि आज भारत में कोई भी नहीं जानता। अकबर को हर कोई जानता है, उसका काला चेहरा कोई नहीं जानता, उसे ग्रेट हर कोई बोलता है, और हमारे वीरों का इतिहास हमें बताया तक नहीं जाता। रानी किरण देवी को कोई नहीं जानता, हजारों राजपूत रानियों को कोई नहीं जानता जिन्होंने अकबर की वजह से जौहर किया, जिंदा जल गई, लेकिन आज जोधाबाई को हर कोई जानता है। ये हमारी ही गलती है कि आज हम आपस में लड़ रहे हैं और ये जो साजिश हमारे खिलाफ हो रही है, हमारे इतिहास के खिलाफ हो रही है, हमारे धर्म के खिलाफ हो रही है, इसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी की।